सबसे पहले अब मैं आपको ना एक स्टेटमेंट पूरी नोट करवा रही हूँ। इसी स्टेटमेंट में देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। लाइक फर्स्ट स्टेटमेंट इज देयर, इन विच ईयर फ्रेडरिक सॉरियो फ्रेंच आर्टिस्ट प्रिपेयर्ड सीरीज ऑफ फोर प्रिंट्स, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। 1848, अगेन आई एम रिपीटिंग, इन विच ईयर फ्रेडरिक सॉरियो फ्रेंच आर्टिस्ट प्रिपेयर्ड सीरीज ऑफ फोर प्रिंट्स, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। आंसर इज 1848। पर आप ये देखो कि मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस में, आपका एक ही क्वेश्चन में 5 क्वेश्चंस हैं, लाइक सीरीज ऑफ फोर प्रिंट्स, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। बच्चे यस, इन विच ईयर फ्रेडरिक सॉरियो फ्रेंच आर्टिस्ट प्रिपेयर सीरीज ऑफ फोर प्रिंट्स, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। आंसर इज वेरी गुड, 1848। अब आप बच्चे खुद देखो, फ्रेंच आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का नेम कुछ भी आ सकता है, जर्मन आर्टिस्ट है, अमेरिकन है, इटालियन है, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ मेनी प्रिंट्स प्रिंटेड, फोर। नेम ऑफ द प्रिंट्स, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, एंड ईयर 1848। जब आप एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट को, आंसर को 2-3 बार पढ़ लोगे ना, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच कॉन्टिनेंट्स वर इन्वॉल्व, विच कॉन्टिनेंट्स वर इन्वॉल्व इन द फर्स्ट प्रिंट। फोर प्रिंट्स बनाए थे उसने, तो जो आपकी बुक में फर्स्ट प्रिंट है, विच टू कॉन्टिनेंट्स वर इन्वॉल्व। यस, यूरोप एंड अमेरिका। विच टू कॉन्टिनेंट्स वर इन्वॉल्व इन फर्स्ट प्रिंट, यूरोप एंड अमेरिका। यानी कि इसने यूरोप और अमेरिका की कंट्रीज को इसमें डिपिक्ट किया। हाँ जी, अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करें तो दो दो कॉन्टिनेंट, यूरोप एंड अमेरिका, चाहे वो एमसीक्यूज में आए, चाहे 1 मार्क में आए, ठीक है। एट दैट टाइम सिंगल वॉज देयर, एट दैट टाइम इट वॉज सिंगल, अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ फीमेल फिगर परसोनिफाइड, हाउ फीमेल फिगर परसोनिफाइड इन द फर्स्ट प्रिंट। वेरी गुड, एज अ लिबर्टी। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये पता कैसे आएंगे, जब आप उसकी रीडिंग करोगे। तो जितना बच्चे आप एनसीईआरटी रीडिंग करोगे, रीडिंग स्ट्रांग होगी, देन यू विल बी एबल टू गिव द आंसर फ्रॉम एवरी पार्ट, और चाहे क्वेश्चन को ट्विस्ट करके भी डाला गया, ठीक है। हाउ फीमेल फिगर वॉज परसोनिफाई का मतलब होता है कैसे उसको डिपिक्ट किया गया, परसोनिफाइड इन द फर्स्ट प्रिंट। आंसर इज लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम, यानी कि विमेन फिगर जो है उसको फ्रीडम दिखाया। आपको याद होगा जब मैंने आपको बताया था कि फ्रेडरिक सॉरियो का जो प्रिंट है उसमें लिबर्टी, जो कंट्रीज तो आगे चली गई हैं, इट मींस दे आर फ्री फ्रॉम मोनार्की। जो कंट्रीज बिल्कुल पास हैं, इट मींस उनको नई नई फ्रीडम मिली है मोनार्की से। जो कंट्रीज पीछे हैं, इट मींस वो अभी भी क्या है, वहां पे क्या है, ऑटोक्रेटिक एंड मोनार्की सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट शी होल्ड, या व्हाट लिबर्टी होल्ड, जो लिबर्टी है या विमेन फिगर है, व्हाट शी होल्ड्स इन हर हैंड्स। टू सिंबल्स, टू सिंबल्स आपने वेरी गुड, टू सिंबल्स आप बताओगे। ये किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसके हैंड में, यानी कि दोनों तरफ उसने क्या पकड़ा हुआ है। वन टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट का मतलब होता है नॉलेज, कि जैसे जैसे कंट्रीज आगे बढ़ रही थी, दे वर बिकमिंग एजुकेटेड। वन इज टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट एंड सेकेंड इज चार्टर ऑफ राइट्स फॉर ओनली मेन, क्योंकि अभी भी उन कंट्रीज में वुमेन को राइट्स नहीं मिला, ठीक है। नंबर वन टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट मीन्स नॉलेज, एंड सेकेंड इज चार्टर, चार्टर का मतलब होता है पेपर, चार्टर ऑफ राइट्स फॉर मेन ओनली, यानी कि अभी भी इन कंट्रीज में वुमेन को राइट्स नहीं मिले थे, ओनली मेन वर ग्रांटेड राइट टू वोट। चाहे कंट्रीज को फ्रीडम मिल चुकी थी, चाहे यूएसए एंड स्विट्जरलैंड दे वर लीडिंग, लेकिन अभी भी इनकी कंट्रीज में विमेन वर नॉट गिवन राइट टू वोट, ठीक है। नेक्स्ट इज विच इंस्टीट्यूशन हैव बीन शोन
इन फ्रंट ऑफ द लिबर्टी स्टैच्यू. वेरी गुड. विच विच इंस्टीट्यूशन वॉज शोन या हैव बीन शोन इन फ्रंट ऑफ द लिबर्टी स्टैच्यू. मैंने ना चेक करना है बच्चे आपके कि यू हैव नोटेड डाउन ऑन, तो क्या आपके लिए नोट हो रहा है. विच इंस्टीट्यूशन हैव बीन शोन इन फ्रंट ऑफ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी. एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की, एब्सोल्यूटिस्ट, एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की. दीज वर शोन एज अ स्केलेटन्स. इनको स्केलेटन्स की फॉर्म में क्यों दिखाया गया है? जैसे जैसे यूएसए स्विट्जरलैंड कंट्रीज आगे बढ़ रही थी, वो अपनी अपनी कंट्रीज में मोनार्की सिस्टम जो है उसको अपने पैरों के नीचे दबाकर आगे जा रही. तो लिबर्टी के जस्ट सामने ये शो किया गया है कि जब किसी कंट्री में फ्रीडम मिलती है तो उस कंट्री में एब्सोल्यूट मोनार्की खत्म हो जाती है और उस कंट्री में लोगों को राइट्स मिलते. और इस मार्च पास या जो लॉन्ग ट्रेन थी, लोगों की ट्रेन थी, इसमें सबसे लीडिंग कंट्री कौन सी थी? सबसे लीडिंग कंट्री थी यूएसए, सेकेंड नंबर पे स्विट्जरलैंड. यानी कि उन दोनों कंट्रीज में मोनार्की सिस्टम या एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम खत्म हो गया. तो विच इंस्टीट्यूशन हैव बीन शोन इन फ्रंट ऑफ लिबर्टी स्टैच्यू? एब्सोल्यूट मोनार्की. अब वन मोर क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की? एब्सोल्यूट मोनार्की क्या होती है? यस, वेरी गुड. द टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच no one can oppose unlimited powers of king. ये किसी भी तरह से हो सकता है. मोनार्की भी हो सकता है, मिलिट्री कंट्रोल भी हो सकता है, सेंट्रल कंट्रोल भी हो सकता है. जैसे नेपोलियन का कंट्रोल था, मिलिट्री कंट्रोल भी हो सकता है. मोनार्किकल जैसे लुई 16 का था, ये भी हो सकता है. एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब क्या होता है? द गवर्नमेंट इन विच पीपल कांट अपोज रॉन्ग पॉलिसीज. एंड जो गवर्नमेंट होती है वो मोनार्की भी हो सकती है, सेंट्रलाइज मिलिट्री भी हो सकती है. अच्छा, फ्रेडरिक सोरियो ने जो पेंटिंग बनाई थी ना, रियल में एग्जिस्ट नहीं करती थी, उसने जस्ट ये ड्रीम किया था, ये काइंड ऑफ इमेजिनेशन बनाई थी. इसका मतलब क्या है कि 1848 तक यूएसए और स्विट्जरलैंड इंडिपेंडेंट हो चुके थे. तो बाकी कंट्रीज के लिए उसका जो विजन था, विजन का मतलब होता है ड्रीम, तो ऐसा ड्रीम जो रियली एग्जिस्ट नहीं करता उसको क्या बोलते हैं? यूटोपिया. और फ्रेडरिक सोरियो का जो विजन है इसको बोलते हैं यूटोपियन विजन. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटोपियन विजन? वेरी गुड. यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटोपियन विजन? वैसे देखा जाए यूटोपियन विजन का मतलब क्या होता है? सोसाइटी विच नेवर एग्जिस्ट. ऐसी सोसाइटी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती. यूटोपियन विजन का मतलब होता है सोसाइटी विच डज नॉट एग्जिस्ट. और अगर सोरियो की बात करें तो सोरियो ने जो पेंटिंग बनाई थी उसने पिक्चर में तो सबको इकट्ठा कर दिया, पर रियल में कभी कंट्रीज इकट्ठी हुई नहीं. ये कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि कंट्रीज उस टाइम पीरियड में आपस में उनके बीच में इतनी, जैसे हम कहते हैं कि राइवलरी होती थी टेरिटरीज को लेकर, कीप ऑन अटैकिंग ऑन ईच अदर, जैसे आपने जर्मनी में या बाकी कंट्रीज में पढ़ा है. तो ऐसा कभी होता ही नहीं था कि सभी कंट्रीज इकट्ठी हूँ. आज के टाइम पीरियड में आपने देखा जैसे यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, या बहुत से समिट्स का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस जिसमें अलग अलग कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स इकट्ठे होते हैं. तो उस टाइम पीरियड में ऐसा ट्रेंड ही नहीं होता था. तो ये उसका एक यूटोपियन विजन था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द सोरियो यूटोपियन विजन? उसका विजन क्या था? मैंने आपको पहले बताया कि उसने एक ऐसी सोसाइटी का बताया जो एग्जिस्ट ही नहीं करती. तो सोरियो मतलब फ्रेडरिक सोरियो का यूटोपियन विजन क्या था? नंबर वन, डिस्टिंक्ट नेशन. अलग अलग नेशन है सारे. डिस्टिंक्ट का मतलब डाइवर्स, अलग अलग. जैसे हमारी कंट्री में डाइवर्स लैंग्वेज है, कल्चर है. डिस्टिंक्ट नेशन, डिफरेंट फ्लैग, सबने अलग अलग फ्लैग्स जो है वो अपने अपने होल्ड किए हुए हैं. एंड नेशनल कॉस्ट्यूम. उन लोगों को पहचाना कैसे जा सकता है? उनके कॉस्ट्यूम या फ्लैग के कलर्स के बेसिस के ऊपर. नेशनल कॉस्ट्यूम ऑफ द पीपल. ही हैज शोन ऑल द नेशन इन दीज. ही हैज शोन ऑल द नेशन इन दीज फोर प्रिंट्स.
उसने अपने अपने प्रिंट्स में इन नेशन को इस तरह से शो किया, अलग अलग फ्लैग्स, अलग अलग उनका कॉस्ट्यूम का जो कलर है। इंडिया में नहीं, इंडिया नहीं था क्योंकि इंडिया तो उस टाइम हो ही नहीं सकता, 1848 में तो इंडिया इंडिपेंडेंट भी नहीं था, दैट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है, हाँ जी, अब आ जाइए लीडिंग कंट्रीज, विच वर द लीडिंग कंट्रीज इन दिस विजन फर्स्ट प्रिंट। नंबर वन यूएसए, नंबर टू स्विट्जरलैंड। नंबर वन यूएसए, नंबर टू स्विट्जरलैंड। ब्रैकेट में लिखो ऑलरेडी नेशन स्टेट्स, यानी कि 1848 तक ये कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो चुकी थी, ना इनमें मोनार्की थी और ये नेशन स्टेट्स बन चुकी थी, ये क्रॉस कर गई थी लिबर्टी स्टैचू का मतलब है कि इनकी कंट्री में लोगों को लिबर्टी मिल गई है। यूएसए एंड स्विट्जरलैंड, ब्रैकेट में लिखो ऑलरेडी नेशन स्टेट्स इन 1848। यूरोप और अमेरिका, ठीक है। सेकेंड, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ फ्रांस 1848 का आपने पढ़ा, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ फ्रांस 1848 में, जस्ट रीच नियर द लिबर्टी स्टैचू, यानी कि बिल्कुल उसके पास है, यानी कि फ्रांस को लिबर्टी कब मिली 1848, याद है आपको 1848 हमने रिवोल्ट पढ़े हैं, ईयर्स ऑफ 1830 टू 1848 लास्ट हमने पढ़ा था कि 1848 में क्या हुआ था फ्रांस में, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी सिस्टम और मनार्की सिस्टम खत्म हो गई, एंड 1848 में फ्रांस फिर से रिपब्लिक हुआ। तो थर्ड कंट्री, फ्रांस की कंडीशन क्या थी, जस्ट नियर द स्टैचू, इसका मतलब है फ्रीडम कब मिली 1848। सपोज अगर यहाँ पे 1947 होता, हमारी कंट्री को स्टैचू के बिल्कुल पास दिखाया जाता, तो हमने कहना था कि यस इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947 नियर द स्टैचू, लेकिन ऐसा नहीं है, इंडिया तो शायद वहां पे लिस्ट में होगा ही नहीं क्योंकि उसने सिर्फ यूरोप और अमेरिका को दिखाया। देन फोर्थ, जर्मनी, जर्मनी वॉज बिहाइंड द फ्रांस, यानी कि जर्मन को नेशन बना ही नहीं है उस टाइम पे, हमें जर्मनी नेशन ही नहीं था, एंड जर्मन के लोगों ने एक फ्लैग पकड़ा हुआ है जो उनका ड्रीम शो करता है कि उनको भी शायद फ्रीडम मिलेगी। इस फ्लैग के कलर आपने याद रखने हैं, ब्लैक, गोल्ड एंड रेड कलर। जर्मनी, फोर्थ कंट्री जर्मनी दैट वॉज बिहाइंड द फ्रांस, एंड द कलर कलर ऑफ फ्लैग दे वर होल्डिंग, दीज वर ब्लैक, रेड एंड गोल्ड कलर। तो आपको वन मार्क क्वेश्चन आ सकता है, विच वर द कलर्स ऑफ जर्मनी बिफोर 1848, पहले उसके कलर जो है वो क्या थे। नेक्स्ट, इसके पीछे तीन, वैसे तो बहुत सी कंट्रीज हैं, दो तीन कंट्रीज के नेम लिख लो, गोल्ड गोल्ड कलर, ब्लैक स्ट्रेंथ, गोल्ड जो है उनका, इसके सिंबल्स नहीं है, जस्ट आप ऐसे लिखोगे, सिंबल्स नहीं है इसके, इसके पीछे ऑस्ट्रिया, नेक्स्ट जर्मनी के पीछे ऑस्ट्रिया, जर्मनी के पीछे बच्चे ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया के पीछे टू सिसलीज, ये कंट्री का नाम आपने कभी नहीं सुना होगा, ऑस्ट्रिया के पीछे थी टू सिसलीज, SICILIES, सिसलीज। एक स्टूडेंट नेम लिखो, अर्पित, जयदित्य, कौन डिस्टर्ब कर रहा है, कौन डिस्टर्ब कर रहा पीछे, मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है। हाँ जी, ऑस्ट्रिया देन टू सिसली, SICILIES, बच्चे ये कंट्री का नेम है, ये एक ऐसी कंट्री थी जिस टाइम में मोनार्की सिस्टम था, ये यूरोप की कंट्री थी, ये ऑस्ट्रिया से पीछे थी, इसका मतलब क्या है कि इसमें एक तो मोनार्की सिस्टम था, एब्सोल्यूट मोनार्की थी, और ये नेशन स्टेट नहीं, टू सिसलीज, ठीक है, किंगडम ऑफ टू सिसली। हाँ जी पूछिए, नहीं सिलेशिया नहीं, टू सिसलीज अलग है। इसके बाद लोम्बार्डी, LOMBARDY, लोम्बार्डी, LOMBARDY, वैसे तो इसके पीछे नंबर ऑफ कंट्रीज हैं, आपकी बुक में बहुत सी कंट्रीज दी हैं, पर मेन इन कंट्रीज का नेम याद रखो, ठीक है।
कहने को तो बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन ये आपको आ सकता था पहले, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता तो राइट अ डिपिक्शन अबाउट द फ्रेडरिक सोरियो पेंटिंग। तो ये इनमें से हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि बच्चे राइट एनी फाइव लाइंस, लेकिन जब क्वेश्चन वन मार्क या एमसीक्यूज या किसी भी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आता है तो एनी क्वेश्चन कैन कम इन एनी फॉर्म। तो नाउ आई थिंक नाउ दिस पिक्चर विल बी क्लियर टू यू, ठीक है। अब इसके बाद अगर हेवन की बात की जाए तो हेवन में एक पिक्चर दिखाई गई है जीसस क्राइस्ट एंड ही इज गिविंग ब्लेसिंग्स टू ऑल द डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। जीसस क्राइस्ट उनको इसमें प्रिंट किया गया है, उनके साथ बहुत से एंजल्स हैं, दे आर गिविंग ब्लेसिंग्स टू ऑल द नेशंस, सभी कंट्रीज को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। किस चीज की ब्लेसिंग दे रहे हैं? ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी, दे आर गिविंग ब्लेसिंग्स सो दैट दे ऑल शुड री यूनाइट या यूनाइट टूगेदर, फ्रेटर्निटी। क्लियर? हाँ जी बच्चे, मैंने आपको बताया नेशन स्टेट क्या होती है, कि अमेरिका और स्विट्जरलैंड नेशन स्टेट बन चुके थे। तो वन मार्क क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशन स्टेट? इंडिया एक नेशन है, ठीक है, नेशनलिज्म की फीलिंग है हम लोगों में, तो नेशन का मतलब क्या होता है? नेशन स्टेट, जब मैं यहाँ पे स्टेट की बात करती हूँ तो स्टेट यहाँ पे पंजाब या महाराष्ट्र या गुजरात नहीं, स्टेट यहाँ पे है कंट्री। नेशन स्टेट मीन्स नेशन कंट्री, ठीक है, वो अलग बात है कि हम पंजाब महाराष्ट्र को स्टेट कहते हैं, लेकिन जब आप इस चैप्टर में कहीं भी वर्ड स्टेट पढ़ते हो तो यहाँ पे स्टेट का मतलब है कंट्री, ठीक है। नेशन स्टेट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशन स्टेट? नेशन स्टेट इज द कंट्री इन विच मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजंस। नेशन स्टेट इज अ कंट्री इन विच मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजंस डिवेलप, यस, कॉमन आइडेंटिटी, दो वर्ड मेन याद रखो, कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री। कॉमन आइडेंटिटी एंड मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजंस डिवेलप सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री। कॉमन आइडेंटिटी की बात करें तो अगर हम लोग जापान जाएंगे ना, तो जापान के लोग हमें इजिली रिकॉग्नाइज कर लेंगे, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी क्या है? कॉमन। एंड शेयर्ड हिस्ट्री की बात करें तो हम सबकी शेयर्ड हिस्ट्री क्या है? हम सबकी जो एंसेस्ट्रल फैमिलीज होंगी, कहीं ना कहीं होंगी, जब भी होंगी, उन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जरूर पार्ट किया हो, पार्टिसिपेट, या हमारे रिलेटिव्स या किसी भी तरह से। आज आपके पास शायद उनका रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जरूर पार्टिसिपेट किया होगा या उस टॉर्चर को सहा होगा। तो दैट इज शेयर्ड हिस्ट्री, ठीक है। तो जिस कंट्री में लोगों की शेयर्ड हिस्ट्री और आइडेंटिटी कॉमन होती है, ऐसी कंट्री में लोग अपनी कंट्री के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जैसे इंडिया के लोगों ने किया, तो ये नेशन स्टेट की फीलिंग को स्ट्रॉन्ग करता। तो दैट इज अ सिंपल मीनिंग ऑफ नेशन स्टेट। लेकिन एक और पर्सन है, अर्नेस्ट लैनिंग, इन्होंने इस डेफिनेशन को थोड़ा और ज्यादा ब्रॉड किया है। अर्नेस्ट लैनिंग, अर्नेस्ट लैनिंग जो थे, इन्होंने लेक्चर दिया था यूनिवर्सिटी का नेम, यूनिवर्सिटी, अब साइड की इंफॉर्मेशन भी आपको आ सकती है, ठीक है, जो आपके बच्चे बुक में जो भी इंफॉर्मेशन है ना, दिस इंफॉर्मेशन कैन आल्सो कम इन वन मार्क और एनी काइंड ऑफ सोर्स बेस। हाँ हाँ जी, यूनिवर्सिटी का नेम लिखो, यूनिवर्सिटी ऑफ सॉर्बोन। ही डिलीवर्ड अ लेक्चर इन द यूनिवर्सिटी ऑफ सॉर्बोन इन 1882 एंड गेव डेफिनेशन ऑफ नेशन स्टेट। अब अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग थ्री मार्क्स में आता है ना, तो मैंने आपको थ्री पॉइंट्स लिखवाए होंगे अर्नेस्ट, लेकिन वन मार्क अकॉर्डिंग कई बार आपको ये आ सकता है हु सेड दीज वर्ड्स, तो तीनों पॉइंट्स लिखो ताकि आपको क्लियर हो कि अर्नेस्ट लैनिंग ने अपने लेक्चर में जो सॉर्बन यूनिवर्सिटी में दिया था 1882 में, उन्होंने नेशन स्टेट को कैसे डिफाइन किया। हाँ जी बच्चे, पीछे कोई डाउट किसी को? ओके, नंबर वन, फर्स्ट ही आर्ग्यूड, उसने ये कहा कि जो नेशन स्टेट की डेफिनेशन है कॉमन आइडेंटिटी, सिर्फ नेशन जो है वो कॉमन आइडेंटिटी से नहीं बनता, नेशन बनाने के लिए क्या जरूरी है। ही आर्ग्यूड दैट कॉमन आइडेंटिटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ही आर्ग्यूड दैट कॉमन आइडेंटिटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, और क्या कॉमन चाहिए? कॉमन लैंग्वेज, लैंग्वेज भी जो है किसी पर्स किसी एरिया को एक नेशन बनाती है, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन रेस एंड कॉमन रिलीजन,
कॉमन लैंग्वेज, कॉमन रेस एंड कॉमन रिलीजन, प्लीज इसको ना आप कंप्लीट कर लो. सेकेंड, अकॉर्डिंग टू हिम नेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, कल्बिनेशन मतलब कॉम्बिनेशन, नेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्रीफाइस एंड डिवोशन. जब तक किसी कंट्री में लोग सेक्रीफाइस नहीं करते हैं उनको फ्रीडम नहीं मिलती, जैसा कि हमारी कंट्री में हुआ था. नेशन इज द कॉम्बिनेशन या कल्बिनेशन ऑफ सेक्रीफाइस एंड डिवोशन. डिवोशन बच्चे, डिवोशन, डिवोशन, डिवोशन. थर्ड, नेशन इज द लार्ज स्केल सॉलिडेरिटी, लार्ज स्केल सॉलिडेरिटी. लार्ज स्केल सॉलिडेरिटी, सॉलिडेरिटी का मतलब होता है यूनियन, सारी कंट्री के लोग यूनाइटेड हो. एंड इट्स एग्जिस्टेंस इज प्लेबिसाइट. अब प्लेबिसाइट का मतलब पता क्या होता है? जब लोगों से पूछा जाए यस और नो, हमारी कंट्री में क्या लोगों से पूछा जाता है? यस और नो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्शंस. इसका मतलब क्या है कि हमारी कंट्री आज इसलिए नेशन है क्योंकि लोगों की ओपिनियन, डेमोक्रेसी है, लोगों की ओपिनियन पूछी जाती है. ठीक है, कल करवा दूंगा इसमें प्लेबिसाइट का मीनिंग, कल करवा दूंगा. ठीक है, थैंक यू.